कोरोना वायरस पृथ्वी पर अपना तांडव मचा रहा था। 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके थे, 23,000 से ज़्यादा मौतें हो गई थी और 201 देश इससे संक्रमित हो गए थे। दोस्तों, मानव कुदरत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था और आज पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ चुका था, कार्बन उत्सर्जन बढ़ चुका था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी, नदी नाले सब गंदे होते जा रहे थे, जंगलों को आग खत्म कर रही थी और आज कोरोना वायरस के रूप में मानो कुदरत अपना बदला ले रही थी। लेकिन कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ चुका था कि अब उसके सर्वनाश का समय आ गया था। फैजल खान का खून खोल रहा था कि किस तरह से कोरोना वायरस का सर्वनाश किया जाए। दोस्तों, विश्व के बड़े बड़े देशों ने अपने देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। लॉकडाउन में जहां सारे लोग अपने घरों तक ही सीमित हो गए थे, फैजल खान एक कोरोना वॉरियर बनकर अपने घर से निकला और घरों की छतें सीढ़ियां फांदता हुआ एक मीटिंग में पहुंचा जहां डॉक्टर इखलाक को बुलाया गया था। डॉक्टर इखलाक जानता था कि कोरोना वायरस को कैसे मारा जाता है और वो यही बताने फैजल खान के पास आ रहा था और ये एक निर्णायक जंग थी कोरोना वायरस के खिलाफ। या पौन लगा भैया, वो डॉक्टर इखलाक है। हाँ भैया, हेलो, ये कोरोना इंडिया का है भैया जी। बैग कोरोना इंडिया का है भैया, और ये इतना साबुन का है भेज दिया जी। अरे तो साबुन क्या कर, चाचा ये साबुन क्या करेगा कोरोना और कोविड में? बेटा हम तो न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं कि साबुन से हाथ धो। अरे तो साबुन कुछ तो करता होगा कोरोना को। या गुडवा, तुम लोग हाथ कैसे धोते हो भैया? हम तो पानी से धो लेते हैं और पानी भी हम कम यूज़ करते हैं, वैसे ही धो लेते हैं। अरे तो अरे साबुन का है मंगा लिए, ये साबुन कोविड को कैसे मारेगा, कोरोना को क्या करेगा? भैया हमें तो मालूम नहीं है। अरे तो साबुन कुछ तो करता होगा कोरोना को। भैया हम तो एक लाख है बता, बताओ तो सही भैया। चाचा अरे गुटवा, साबुन कोरोना को मारेगा। एक लाख जानता था कि साबुन कैसे कोरोना का दुश्मन है और कैसे कोरोना वायरस को मारता है और यही बताने वो आज फैजल खान के पास आया था। डॉक्टर इखलाक ने फैजल खान को बताया, भैया ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं, ये खाना आप नॉन वेज खाइए लेकिन सही चीज़ खाइए। अब जैसे चमगादड़, सांप, ये सब खाने से वायरस फैला है। भैया आप अच्छी तरह पका हुआ नॉन वेज खाइए, उससे कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा तो शाकाहारी भोजन खाइए, उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। थैंक यू भाभी। भैया जो ये आप देखिए, ये जो आप विस्की और ये अल्कोहल पी रहे हैं और ये गुटवा जो आपको स्मोकिंग करवा रहा है, धूम्रपान करवा रहा है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगा, ये कोई कोरोना को मारेगा नहीं। ये आपको धूम्रपान और शराब ये सब छोड़नी पड़ेगी भैया, ये आपकी इम्यूनिटी डाउन करती है। और कोरोना को मारने का एक ही इलाज है, वो है साबुन। आप मेरी प्रेजेंटेशन देखिए भैया, ये वायरस इस तरह से होता है, ये जो नीली पिन जैसी लग रही है ये प्रोटीन है और इसके अंदर नारंगी और पीला जो सर्कल है ये फैट है, ऑयल है, ये कोरोना वायरस है। तो भैया वायरस के ऊपर पानी आप डालिएगा, पानी से कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि तेल लगा हुआ है इसमें। और तेल आप देखिए, जैसे पानी में डालते हैं तो तेल तैरता है, अभी मैं तेल इसमें डालता हूँ पानी में, ये देखिए भैया। और तेल और पानी को मैं अच्छी तरह मिलाऊँ तो ये तेल देखिए ऊपर तैरेगा। और आप देखिए भैया एक और चीज़, मैं इसमें थोड़ी साबुन की बूंदें डालता हूँ और फिर मैं इसको मिश्रित करता हूँ, हिलाता हूँ अच्छी तरह साबुन पानी और तेल को, तो ये देखिए पूरा मिल गया भैया। जो ऑयल था, तेल था, उसको तोड़ दिया साबुन ने। साबुन में भैया इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जो नीला वाला है ये पानी खींचेगा और जो संतरी है इसको तेल खींचेगा। तो भैया जैसे साबुन आप डाल दिए तेल और पानी में, तो इस तरह से जब आप हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो ऑयल जो है वो पानी में टूट के बिखर जाएगा, घुल जाएगा। अभी देखिए भैया कोरोना वायरस है और इसकी फैट की लेयर है, और ये देखिए साबुन आ रहा है और साबुन का जो ऑयल वाला हिस्सा है वो ऑयल में चिपक जाएगा, और जैसे ही आप पानी से धोएंगे वो तेल वाली जो परत है उसको तोड़ देगा और वायरस टूट के नाली में बह जाएगा। तो भैया ये जो चीज़ है, ये जो साबुन तोड़ता है इस लेयर को, इस ऑयल वाली लेयर को, इसको टूटने में 20 सेकंड कम से कम चाहिए भैया। अभी हम एक लोचनवा लाए हैं, ये अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकेगा भैया, इसको आप समझिए कि वायरस है। ये हम हाथ पे लगा लिए, देखिए यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट में चमक रहा है ये। और पानी से आप ज़रा सा रिंस कर दीजिए, धो लीजिए, वायरस देखो हटा नहीं। और आप अगर 5-10 सेकंड के लिए भी धोते हैं पानी के नीचे, तो साबुन से भी धो, तब भी वायरस निकलेगा नहीं।
और भैया अगर 20 सेकंड तक हम लगातार धोते हैं साबुन से, तो साबुन जो है वो कोरोना वायरस को पूरी तरह मार देगा। तो भैया भारत में और पूरे विश्व में हमने हाथ ठीक से धोना है, जिससे हम कोरोना वायरस को मार पाएंगे और उससे बचे रहेंगे। ये वीडियो भैया तोफाज़ोल हुसैन सज़ाल जी ने बनाया है, और थैंक्स टू गैंग्स ऑफ वासेपुर भैया, और आपने मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा हिंदुस्तान और विश्व कोरोना वायरस से लड़ पाएगा। धन्यवाद भैया।